पावन पर्व जो छठ मनाया जा रहा है और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह हमारे बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम आपको बताते हैं कि यमुना गंगा तहजीब का बहुत बड़ा मिसाल है ये। और ये त्यौहार काफ़ी मायने रखता है, इसलिए मायने रखता है कि ये मोहब्बत का पैगाम देता है, हमें समाज से मिलाता है और एक दूसरे की हेल्प करने की हमको प्रेरणा देता है। तो इसी मुद्दे पे हम कुछ आवाम से पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं कि चलिए क्या हमारा त्यौहार हमें क्या आखिर हमें क्या बताता है कि हमें किस तरह रहनी चाहिए, हमें समाज में एक दूसरे से क्या भेदभाव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो सर सर्वर है ना, सर अपना परिचय सर दे दीजिए। सर शशि भूषण कुमार जी। सर सब यहाँ पे सब व्यवस्था ठीक है ना यहाँ पे अपने? हाँ सभी ठीक है। और कुछ अपने जो प्रखंड परिहार के हैं और जो सरभर के हैं और अपने परिहार के हैं मनपौर के हैं, इनको शुभकामना दे दीजिए सर अपने परिचय के साथ। सभी सभी मनपौर वासी और सरभर वासियों को शुभकामनाएं जी सर, छठ की हार्दिक अभिनंदन जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आप लोग ऐसे ही आप लोग करते हैं और पूरी दबंग बिहार की शुभकामना। चारों तरफ खुशहाली लोग नजर आ रही है और कामना करते हैं कि सब खुश रहे और ऐसे मनाते रहे। देख सकते हैं
काफी ये जिसको कहते हैं इच्छा शक्ति कहते हैं, अंदरूनी जो होता है, जो कुदरती ताकत होती है, वो है इनके अंदर। बाकी खंड में